हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की विषय गणित अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति के प्रश्न 10.2 के सवाल हल करना सीखेंगे। देखो प्रिय बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 4.5 सेमी, वाई जेड बराबर 5 सेमी, जेड एक्स बराबर 6 सेमी है। अर्थात हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसके तीनों भुजाओं की माप दी गई हो। बच्चों, बड़ा ही सरल सवाल है, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। किसी भी आकृति की रचना करने के लिए, चाहे वो आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज कुछ भी हो, आप पहले उसकी एक कच्ची आकृति बनाइए बिना माप की। त्रिभुज की माप दे रखी है, या बिना माप की एक आकृति बना दीजिए समझाने के लिए। देखो, मान लो मैं बिना माप की एक आकृति बना रहा हूं, ठीक है। तीनों भुजा की माप दे रखी है, तो मान लो मैंने यहां लिख दिया एक्स, यहां वाई, यहां लिख दिया मैंने जेड। आप इसमें दर्शाने के लिए भर दीजिए दिए गए माप। एक्स वाई का माप कितना है? 4.5 cm। तो ये एक्स वाई हमारी, यहां भर दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। वाई जेड का मान 5 सेंटीमीटर है, तो यह 5 सेंटीमीटर भर दीजिए। और जेड एक्स का मान 6 सेमी है, ये 6 सेमी भर दीजिए। अब यह इतना कच्ची आकृति, कच्ची आकृति, इसका मतलब यह है कि बिना माप की है। इसको देख देख के बच्चों हम अब एक पक्की आकृति बनाएंगे, दिए गए त्रिभुज की हम रचना करेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिए, अब त्रिभुज की इस एक्स वाई जेड की रचना करने के लिए हमारा आधार कौन सा माना? आप इसमें यह मत लिखना कि यहां वाई लिखें, तो तीनों भुजा की माप दे रखिए, तो आप यहां एक्स, यहां वाई, यहां जेड, अथवा यहां जेड, यहां एक्स, यहां वाई कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्रम बना दिया, यहाँ एक्स वाई जेड, आप यहां से एक्स वाई जेड ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, और माप को अपने यथा स्थान पे रख देना। सही जगह। अब देखो, इसकी पक्की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाई जेड का आधार 5 सेमी खींचना पड़ेगा। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम अपनी पटरी की सहायता से, यानी इसके, यानी पैमाना, यानी रूलर, तो आप इसकी सहायता से 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच देना। ये मान लो मैं खींच रहा हूं, ये लो, ये मैंने खींच दिया y z 5 सेमी का एक रेखाखंड, राइट। अब देखो, यहां से y x कितने सेमी है? 4.5 सेमी, और यहां से ये x z कितनी है? 6 सेमी। तो पहले मान लो मैं ये रेखाखंड खींचूंगा, तो आप अपने प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का नाप ले लेना, त्रिज्या ले लेना, अपने प्रकार में आप स्केल की सहायता से 4.5 सेमी का माप ले लेना। और देखो, वाई बिंदु से, वाई बिंदु से ये एक चाप काट दे, ऐसे ऐसे एक चाप काट देना। तो वाई बिंदु से मालूम है ये चाप काट दिया है, ये चाप काट दिया, राइट। इस वाई बिंदु से ये चाप मैंने कितने सेमी का काटा? 4.5 सेमी का काटा। अब देखो, जेड बिंदु से कितनी जा रही है? 6 सेमी। अब अपने प्रकार में आप 6 सेमी का माप ले लेना। 6 सेमी का माप लेने के बाद इस जेड बिंदु से, देखो इस जेड बिंदु से यहां जाएगा, जेड बिंदु पर रख के पहले वाली चाप को काट देना। तो यहां रखने के बाद ये एक चाप हमने और काट दिया जेड बिंदु से। दोनों चाप जहां मिलेंगे वहां हमने नाम दे दिया एक्स, ये एक्स बिंदु प्राप्त हो गया। अब एक्स बिंदु को किससे मिलाया गया? वाई से। एक बिंदु किससे मिलाया गया? जेड से। आप मिला देना एक्स बिंदु को वाई से और एक्स बिंदु को जेड से, ये राइट।
तो यहां लिख रहा हूं 4.5 cm और यहां कितना लिखेंगे 6 cm। इस प्रकार हमने त्रिभुज XYZ की रचना कर दी। अब बच्चों जैसे हमने रचना की तो इसके पद लिखने पड़ेंगे रचना के कि हमने ये रचना किस प्रकार से की, राइट। तो देखो मैं लिखूंगा रचना के पद, रचना के पद, ध्यान देना नंबर एक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई आकृति की एक कच्ची आकृति बनाई तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड की एक कच्ची आकृति बनाई। सबसे पहले हमने दी गई त्रिभुज एक्स वाई जेड की क्या बनाई, एक कच्ची आकृति बनाई। अब देखो उसकी पक्की आकृति बनाने के लिए क्या रचना की, पहले सबसे पहले हमने वाई जेड जो रेखाखंड है यह आधार है 5 सेमी का खींचा था तो यही बात यह लिखेंगे, हमने आधार, इसको आधार बोलते हैं, आधार वाई जेड बराबर 5 सेमी का खींचा। मेन काम यह हमारा पहला काम, हमने आधार वाई जेड कितने सेमी का खींचा, 5 सेमी का खींचा। फिर हमने क्या किया, वाई बिंदु से 4.5 सेमी का चाप काटा, फिर वाई बिंदु से परकार की सहायता से, परकार की सहायता से 4.5 सेमी का एक चाप काटा। हमने वाई बिंदु से 4.5 सेमी का चाप काटा था, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने जेड बिंदु से 6 सेमी का चाप काटा था प्रकार की सहायता से, तो वो बात भी लिखो। फिर हमने जेड बिंदु से एक दूसरा चाप परकार की सहायता से, एक दूसरा 6 सेमी का चाप लिख दो आप, एक दूसरा 6 सेमी का चाप परकार की सहायता से काटा या लगाई, चाप लगाई है। नंबर 5, अब दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां हमने बिंदु एक्स अंकित किया, दोनों चाप जहां परस्पर यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां बिंदु एक्स अंकित किया, एक्स अंकित किया हमने। अंत में हमने क्या किया, इस बिंदु एक्स को वाई से मिलाया, बिंदु एक्स को जेड से मिलाया, तो हमारी अभीष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना पूरी हो गई। अंत में क्या किया हमने, बिंदु एक्स को वाई तथा जेड से मिलाते हुए एक अभीष्ट
त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना की। अंत में हमने क्या किया, बिंदु एक्स को वाई से मिलाया और जेड से मिलाया, तो बिंदु एक्स को वाई और जेड से मिलाते हुए एक अभीष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना की। तो बच्चों इस प्रकार हमारा आज 10.2 का सवाल नंबर एक कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपको इसका अगला सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 भी इसके प्रकार होगा, देखिए आप। इसमें लिखा है 5.5 cm यानी सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हो, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं किस माप की होगी, 5.5 सेमी माप की होगी। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, चूंकि इस त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, अपने मन से इस त्रिभुज का नाम ए बी सी या एक्स वाई जेड कोई भी रख सकते हैं। तो अब हमें इस त्रिभुज की रचना करने के लिए बच्चों हमें इस माप की एक कच्ची आकृति बनाएंगे, इस माप का एक समबाहु त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाएंगे। नाम अपने मन से दे देंगे, चाहे एबीसी दे दो, चाहे पी क्यू आर दे दो, चाहे एक्स वाई जेड दे दो, कोई भी नाम आप अपने मन से दे सकते हो बच्चों। मान लो पहले एक्स वाई जेड था, मैं एक्स वाई जेड दे देता हूं, राइट। 5.5 सेमी भुजा, ये भुजा क्या है, समान माप की है, राइट बच्चों। और यहां लिख देना आप कच्ची आकृति, ये जरूर बनाना बच्चों। अब जो इसका पक्की आकृति बनाएंगे, हम एक पक्की रचना करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए हम यह आधार वाई जेड 5.5 सेमी का खींचेंगे। देखो बच्चों ये खींचे, ठीक है। मान लो मैंने यहां लिख दिया वाई और इसको देख देख के जेड लिख दिया, ये 5.5 सेमी, ये किससे खींचेंगे आप, अपनी पट्टी से, अपने स्केल से खींच देना 5.5 सेमी का, ठीक है। अब वाई बिंदु से 5.5 सेमी का चाप काटेंगे और जेड बिंदु से भी 5.5 सेमी का हम चाप काटेंगे या चाप लगाएंगे प्रकार से। तो आप अपने प्रकार में इस वाई जेड के बराबर त्रिज्या लेना या नाप लेना या माप लेना, प्रकार में 5.5 सेमी का माप लेने के बाद इस वाई बिंदु से रखेंगे और एक चाप यहां लगा देंगे, फिर जेड बिंदु पे प्रकार रखेंगे और उसी माप का 5.5 सेमी का एक चाप हम काट देंगे पहले वाले, जहां दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे वहां हम नाम देंगे ए। क्या नाम देंगे यहां पे, ए, राइट। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस एस बिंदु को वाई से मिलाएंगे, अपने पटरी से मिला देना स्केल से, और इसको जेड से मिला देना। अब आप पढ़ देना यह 5.5 सेमी, 5.5 सेमी, ये हमारी पक्की आकृति बन गई एक समबाहु त्रिभुज की, जिसको हमने नाम क्या दिया, एक्स वाई जेड दिया। अब इसकी रचना हम लिखेंगे बच्चों उसी प्रकार, रचना के पद इस त्रिभुज की हमने समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे की वो पद लिखेंगे। देखो नंबर एक, सर्वप्रथम
आकृति की एक कच्ची आकृति बनाई। अब देखो क्या देखेंगे, फिर एक आधार वाई जेड बराबर 5.5 सेमी का खींचा। हमने क्या किया, वाई जेड 5.5 सेमी का एक आधार खींचा। फिर वाई बिंदु से तथा जेड बिंदु से, ये दोनों से समान माप का है तो एक ही वाक्य लिख दो आप। फिर वाई बिंदु से तथा जेड बिंदु से 5.5 सेमी की त्रिज्या के दो चाप यक्की दुक्की दो चाप लगाई। हमने y बिंदु से 5.5 सेमी की त्रिज्या की चाप लगाई और z बिंदु से भी 5.5 सेमी त्रिज्या की चाप लगाई। अब दोनों चाप परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे बच्चों, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां हेच लिखेंगे। दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां एक्स अंकित किया या एक्स अंकित किया, एक्स अंकित किया। अंत में एक्स को वाई तथा जेड से मिलाते हुए एक अभीष्ट समबाहु त्रिभुज की रचना की। इस प्रकार बच्चों ने ये दो सवाल बड़े अच्छी तरह से सीख लिए। इसके बाद आगे सवाल हम कल के वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।